Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं जा रही हूँ हिमाचल. तो मैं हिमाचल का फंक्शन फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रही हूँ. तो मैंने यहाँ से होशियारपुर से हिमाचल के लिए बस ली है और मैं जा रही हूँ नदौन, मीन्स हमीरपुर वाली साइड जा रही हूँ मैं. तो लेट्स गो, चलते हैं. चलते चलते ये बस यहाँ पे एक ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ये बस सीधी अमृतसर से आई थी. तो वह होशियारपुर होके आई थी, हमीरपुर जानी है ये बस. तो यहाँ से मेरा एक घंटे का आगे रास्ता और है, तो लेट्स गो चलते हैं. वहाँ पे मैंने नदौन पहुँच के मुझे वहाँ से भैया ने पिक किया था और भैया के साथ मैं घर जा रही हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भैया मेरे को बता रहे हैं कि ये जो नदी है ये ब्यास दरिया कहते हैं जिसको हम, वो है. देख सकते हो हिमाचल का व्यू कितना अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है. तो आप देख सकते हो व्यू यहाँ पे आके आपको अच्छा सा, मीन्स एक सुकून सा मिलेगा कि आप किसी नेचुरली मतलब प्लेस में जा रहे हो या रह रहे हो. तो नेक्स्ट ये घर स्टार्ट हो गए थे. यहाँ पे भैया बता रहे थे कि ये यहाँ से घर मतलब गांव स्टार्ट है, नदौन से आगे भी उनका गांव है. तो यहाँ से बता रहे थे भैया. और ये रही हमारी दीक्षु, और दीक्षु मुझे आगे से पिक करने वो भी आई थी भैया के साथ. और फिर हम घर जा रहे हैं, अभी रोड से थोड़ा अंदर को है घर. तो लेट्स गो, चलते हैं हम. और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं. उसके बाद हमने रेस्ट की. रेस्ट करने के बाद आप शाम का व्यू देख सकते हो. यहाँ पे फंक्शन की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, डीजे वगैरह आ गया था और यहाँ पे अभी टेंट वगैरह का काम मतलब मीन्स टेंट वगैरह लगना था. अभी बजे हैं शाम के 7:30 और ये हमारा टेंट यहाँ पे लग चुका है. और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मैं और दीक्षु गपशप कर रहे थे और हमने बहुत सारी बातें की. और इसके बाद हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया. और इसके बाद हमने किचन में थोड़ा सा काम किया और ये हम लोग बना रहे थे बबरू. मुझे इसका पता नहीं था, दीक्षु ने बताया था ये क्या होता है. और ये हमने बनाए थे बहुत सारे. गुड मॉर्निंग गाइस. तो मेरा आज डे टू है हिमाचल का. तो आप देख सकते हो यहाँ का मौसम एकदम से बारिश आने लगी है. सुबह सुबह 5:30 के आसपास बारिश स्टार्ट हो गई थी, अभी 6 o'clock हुए हैं. तो अभी हम मीन्स सोच रहे थे कि कैसे कैसे फंक्शन का होगा. चलो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कैसे फंक्शन सेलिब्रेट किया. और उसके बाद यहाँ पे अंकल अपना काम कर रहे थे जो खाना बनाने का. तो उनका एक ये देखो अनियन को कैसे जल्दी जल्दी में कट कर रहे हैं. तो मैंने ये तो फर्स्ट टाइम देखा था. हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, हम तो उसी में मीन्स स्लाइड पे रख के कट करते हैं. तो उसके बाद बारिश का मौसम थोड़ा मीन्स बारिश कम हो गई थी. तो आगे दिखाते हैं आप. तो फिर मैंने और दीक्षु ने यहाँ पे आरती की थाली है जो इसको डेकोरेट किया थोड़ा सा, जो इसमें रखते हैं मीन्स संदूर मीठा एंड वो हमने इसमें रखा. और उसके बाद हम लोग हो गए रेडी. हम लोग सारे रेडी हो गए. रेडी होने के बाद हमने पिक्स भी क्लिक की, वीडियोस भी बनाई. तो आगे आप देख सकते हो वीडियो में कि मौसम कैसा है. एकदम फिर से बारिश आ गई और ये बारिश का मौसम आप देख सकते हो. यहाँ पे एकदम बारिश आ जाती है. और उसके बाद यहाँ पे ना जो फंक्शन है, यहाँ पे धाम होती है. तो ये धाम ही था वहाँ पे. तो आप देख सकते हो ये धाम, ये देख सकते हो इवनिंग का व्यू. तो ये देख रहे हो आप, तो बहुत अच्छा व्यू. ये बादल ऐसे जा रहे, उड़ रहे हैं कह सकते हो. तो ये देखो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है. और यहाँ पे आके सुकून सा मिलता है, आप देख सकते हो वीडियो में. तो ये रहा हमारा डीजे टाइम, लेट्स रॉक. तो यहाँ पे हमने बहुत सारा डांस वगैरह किया और कुछ कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ मैं, सारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे फंक्शन. और मैंने स्पेशली हिमाचल गानों पे भी डांस किया बहुत, और पंजाबी गानों पे भी किया.
ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਨਿਆਰੇ ਨੀ ਫੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰਾ ਕੱਜ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀਏ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਏ ਮੁੰਡਿਆਰੇ ਨੀ गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे घर पे मींस माता जी की चौकी थी, तो यहाँ पे कीर्तन होना है, अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोग कीर्तन सुनेंगे यहाँ पे बैठ के अच्छे से। फंक्शन के बाद इवनिंग टाइम हम जा रहे हैं माता ज्वाला जी मंदिर, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम घर से निकल रहे हैं। हम और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इवनिंग टाइम का व्यू है, ये आप देख सकते हो। और वहाँ पे हम लोग माता ज्वाला जी वहाँ पहुँच गए हैं, अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं सारे फैमिली। तो लेट्स गो, आप भी चलो हमारे साथ। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, अभी हम ऊपर मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। और ये मैंने प्रसाद भी ले लिया था, हमने ले लिया प्रसाद, अभी हम मत्था टेक के उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे मत्था टेकने के बाद अभी हम आगे जा रहे हैं सारी फैमिली। हम लोग मंदिर ऊपर काफ़ी देर बैठे थे, वहाँ पे अच्छा लग रहा था एकदम, मतलब बहुत सुकून सा मिल रहा था वहाँ पे। तो अभी हम नीचे आ गए, तो यहाँ शॉप्स पे देख रहे थे, कुछ ओपन है कुछ शॉप्स, कुछ बंद थी। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए और एंड में मैं वीडियो ऐड कर रही हूँ, वहाँ का पूरा मंदिर का व्यू आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।